नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो आरक्षी यानी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आया है उससे रिलेटेड आपको सभी जानकारी दूंगा। आप सभी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दोस्तों जिला आरक्षी पदों की वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पे जिला कांस्टेबल की वैकेंसीज दोस्तों झारखंड SSC के द्वारा अगर देखेंगे तो रिलीज कर दिया गया है। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे अगर देख सकते हैं, ये है झारखंड आरक्षी परीक्षा 2023 और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिन दोस्तों को डिटेल नोटिफिकेशन देखना है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल में इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया हूं। सबसे पहले जो वैकेंसी है दोस्तों वो टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 4919 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें से रेगुलर वैकेंसीज भी है और क्या है प्लस बैकलॉग वैकेंसीज, यानी दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे तो 4919 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें से रेगुलर वैकेंसी जो है वो है 3799 पदों की वैकेंसीज जो है आपको रेगुलर है और बैकलॉग में 1120 वैकेंसीज आपका बैकलॉग वैकेंसीज है। ठीक है, और इसका जो वेतनमान है दोस्तों वो जान लीजिए पे मैट्रिक्स लेवल 3 का है, यानी बेसिक 21,700 से लेकर 69,100 के बीच ये आपका बेसिक्स है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता जो मांगा गया है दोस्तों वो है 10th पास, 10वीं पास मांगा गया है, देख सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास ही इसमें क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। एज लिमिट को लेकर जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे कि क्या हमको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यहां पे अगर देखेंगे तो कट ऑफ डेट को लेकर यहां पे थोड़ा सा यह है कि न्यूनतम जो कट ऑफ डेट रखा गया है देख सकते हैं 1/8/2023 ये न्यूनतम रखा गया, यानी 18 वर्ष आपका हो जाना चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। 1/8/2023 तक आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कट ऑफ देख सकते हैं 1/8/2019 यहाँ पे रखा गया है, यानी इसमें कैटेगरी वाइज जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो आपको मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप और EWS कैटेगरी से आप फॉर्म डाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं 25 वर्ष ही आपको मैक्सिमम एज मिलेगा, यानी 25 से अगर ज्यादा है तो फिर आप इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। और BC1 BC2 में आते हैं तो एज रिलैक्सेशन होता है दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा, यानी 2 साल एक्स्ट्रा 27 वर्ष तक आप BC1 BC2 के लिए देख सकते हैं। महिला अभ्यर्थी अगर आप है, चाहे आप जनरल से आते हो, EWS से आते हो, BC1 से आते हो या BC2 से आते हो, तो यहाँ पे आपको 28 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट मिल जाएगा। और SC ST महिला और जो पुरुष है दोनों के लिए देखेंगे तो 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट आपको मिलेगा, न्यूनतम 18 वर्ष याद रखिएगा और कैटेगरी वाइज अलग अलग है अधिकतम आयु सीमा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो परीक्षा शुल्क लगेगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ ₹100 परीक्षा शुल्क रखा गया है, कैटेगरी के हिसाब से आप देखेंगे तो ₹50 ये भी रखा गया है SC ST वालों के लिए। और ये परीक्षा जो होगा दोस्तों देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो है 15 जनवरी 2024 से फॉर्म भरा जाएगा और चलेगा कब तक, 14 फरवरी 2024 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप रजिस्ट्रेशन दर्ज कर सकते हैं। और ये जो परीक्षा होगा दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका था कि ये परीक्षा 3 चरणों से होगा, पहला ही आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, फिजिकल टेस्ट पहले, देन मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद रिटन यहाँ पे अंतिम चरण में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में दोस्तों मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या फिजिकल होगा, इसमें नॉर्मली दोस्तों दौड़ना होता है, ठीक है, 10 किलोमीटर का दौड़ होगा, 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा महिलाओं के लिए, वहीं पे देखेंगे तो 5 किलोमीटर है और उसमें भी समय कुछ कम रखा गया है। और इसके बाद चिकित्सा जांच होगा आपका, चिकित्सा में किन चीजों का जांच किया जाएगा ये भी मैं एक अलग से वीडियो इसीलिए बनाऊंगा। और लिखित परीक्षा होगा 3rd में, ठीक है, और फाइनली इसी से आपका मेरिट बनेगा रिटर्न से ही, ठीक है, ये तो एक प्रायोरिटी है कि इतना होना चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए, एक शारीरिक दक्षता जो होगा माप, जो शारीरिक माप होगा वो ये होना ही चाहिए कम से कम, तभी आप आवेदन को भरेंगे वरना फाइनली यहीं पे छट जाएंगे। ठीक है, तो कैटेगरी में देखेंगे तो जनरल और EWS कैटेगरी में जो ऊंचाई है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना बिना फुलाए दोस्तों 81 न्यूनतम लिखा हुआ है, आप देखेंगे 81 एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर और ज्यादा करेंगे यानी 86। ठीक है, SC ST में जो न्यूनतम ऊंचाई मांगा गया है 155 और 79 सीना में, वहीं पे अगर आप देखेंगे BC1 BC2 में तो 160 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 81 यानी जनरल और EWS के जैसा यहाँ पे भी सेम रखा गया है। और महिला अभ्यर्थी है, आप किसी भी कैटेगरी से है तो देख सकते हैं ऊंचाई जो न्यूनतम रखा गया वो 148। ठीक है,
बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन जो जेएसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन दोस्तों को आवेदन करना है वो जरूर इस डेट तक आवेदन करेंगे, 15 जनवरी से शुरू होने वाला या नए साल में एक बढ़िया मौका मिला है उन सभी स्टूडेंट को जो लंबे अरसे से कॉन्स्टेबल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। और साथ ही ये भी कहूंगा कि देखिए, आपका जो फॉर्म भरने का डेट है इससे पहले ही आपको तैयारी की भी शुरुआत करना पड़ेगा, यानी फिजिकल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, रिटर्न के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और मेडिकल के लिए भी आपको अभी से तैयारी करने की शुरुआत कर देना पड़ेगा, तभी जाकर फाइनली आप सेलेक्ट हो पाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि 2024 में इलेक्शन भी होने वाला है और जिस तरह से हेमंत सरकार ने काफी सारे वादे भी किए हैं कि सारे वैकेंसीज को कंप्लीट करूंगा, जितने भी नियुक्ति दूंगा, तो ऑब्वियसली आप बता इसमें मान सकते हैं कि ये भी उसी में से एक है और इसको भी जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जाएगी ताकि जल्द से जल्द इसका भी नियुक्ति हो जाए, ताकि 24 में सरकार के पास बोलने लायक ये भी रहे कि इन्होंने इतनी सारे नियुक्ति दिया, इसीलिए सारा प्रोसेस जो है तेजी से करने की कोशिश किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये रहा नोटिफिकेशन और आगे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, चाहे इसका सिलेबस की बात करूं, इसका जो फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करूं या मेडिकल, इन तीनों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो में चर्चा कर दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे आप बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। मैं बुक भी सजेस्ट कर दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।